क्षेत्र विधायक सुभाष सुधा ने कुरुक्षेत्र में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी करने में लापरवाही बरती जा रही थी। इस विषय पर कड़ा संज्ञान लिया गया है। उन्होंने बताया कि एनडीसी जारी करने में दो कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आई, इसलिए तत्काल प्रभाव से दोनों कर्मचारियों को इस ब्रांच से हटाकर दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करने के आदेश नपा अधिकारियों को दिए गए हैं। इस मामले में जरा सी भी लापरवाही सहन नहीं की जाएगी और भविष्य में किसी भी कर्मचारी ने एनडीसी जारी करने में देरी की या बिना वजह लोगों को परेशान किया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि विधायक सुभाष सुधा नगर परिषद के सभागार में अधिकारियों और आम नागरिकों की एक संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा ने आम नागरिकों से एनडीसी को लेकर आने वाली दिक्कतों और परेशानियों को सुना और इसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के पक्ष को भी जाना। विधायक ने कहा कि काफी समय से एनडीसी जारी करने को लेकर लोगों की शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों का निवारण करने और एनडीसी जारी करने की प्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ही नगर परिषद के कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एनडीसी को लेकर लंबित फाइलों का भी बारीकी से अवलोकन किया गया और इन फाइलों का अवलोकन करने से ये तथ्य सामने आए कि कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है और बिना वजह एनडीसी जारी करने में देरी की जा रही है। विधायक ने अधिकारियों कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और लापरवाही किसी भी कीमत पर सहन नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी पारदर्शिता, मेहनत और ईमानदारी के साथ कार्य करें। पिछले दिनों भी इसी बात को लेकर आया था, तो क्या होता था, इन फाइलें जो लोग अंदर आउटर्स ब्रांच में, बिल्डिंग ब्रांच में लोग धक्के से फाइलें लेके आ जाते थे, तो हमने अब इसकी हेल्प टैक्स एक हमने बना दी यहाँ पे और उसका जो मंगलवार से उसको हम शुरू कर देंगे, जिसके अंदर डिस्प्ले होगा, टोकन नंबर होगा, तो ये लोगों को बड़ी अच्छी सुविधा मिलेगी हमारी कमेटी के अंदर। और साथ साथ में एक हमने इसके साथ हमारे जो सेक्रेटरी हैं उनकी ड्यूटी लगा दी है, कोई भी आदमी शहर का कोई भी उसको दिक्कत आती है सेक्रेटरी साहब को इसी काम पर लगा दिया है, तो आम जनरल पब्लिक की जो प्रॉब्लम होगी उसको सुनेंगे, जो भी दिक्कतें आएंगी ये अपनी मीटिंग करेंगे और मीटिंग के माध्यम से उसका सोल्यूशन करेंगे। और उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर दिक्कत है तो मैं उसको क्लियर कराऊंगा, कॉर्पोरेशन के लेवल की दिक्कत है कमर्स काउंसिल की दिक्कत ये साफ करेंगे, डिप्टी कमिश्नर के लेवल उनसे मैं रिक्वेस्ट करके वहां से कराऊंगा, अगर स्टेट लेवल की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्टेट लेवल में मैं उसको जाकर ठीक कराऊंगा, क्योंकि नया एनओसी अभी शुरू किया है उसमें डेफिनेट बहुत सी दिक्कतें आनी थी, उन सारी प्रॉब्लम को हमने जो फील्ड लेवल पर मास लेवल पर जो गलतियां आ रही थी उनको हमने पकड़ लिया है और उनको हम बहुत जल्दी फोन करने जा रहे हैं। थैंक यू सर। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक